Hello का डिस्कशन का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी प्लस प्लस सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन क्या है फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जिसको यूज करके हम क्या करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं

हम जानते हैं कोई भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम जब भी हम शुरू करते हैं तो फर्स्ट हम इंक्लूड यूज करके हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम के साथ लिंक करते हैं तो हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के साथ लिंक करने की मेन रीजन क्या है कि उन हेडर फाइल्स में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किए जाते हैं जिन प्रीडिफाइंड फंक्शंस को हम डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज करके कुछ स्पेसिफिक टास्क या फिर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं तो पहले से जो प्री डिफाइंड फंक्शन हमें प्रोवाइड किया जाता है जिन प्रीडिफाइंड फंक्शन को हम डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम में जब चाहे तब यूज कर सकते हैं उस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन द फंक्शन विच आर डिक्लेय इन दी प्लस प्लस फाइल्स सी प्लस प्लस में जितने भी हेडर फाइल्स हेडर फाइल्स के अंदर जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शन है सारी प्रीडिफाइंड फंक्शन को हम बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन That's why the library functions functions. functions are also called as built-in built functions. Functions already built हुए होते हैं, functions. So, पता चला, हम किस तरह के functions को बोलते हैं जिस तरह के functions already पहले से define किए गए होते हैं सिर्फ हम उसको यूज करते हैं जिस functions को header फाइल्स के अंदर डिफाइन किए गए होते हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं उस तरह के functions को बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन जिसका नाम है यूजर डिफाइंड फंक्शन इसके नाम से ही पता चल रहा है जिस तरह के फंक्शन को प्रोग्रामर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद क्रिएट करता है प्रोग्राम के अंदर उस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन द फंक्शन विच आर क्रिएटेड बाई द सी प्लस प्लस प्रोग्रामर आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम को लिख रहा है प्रोग्रामर तो वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कोई फंक्शन प्रोग्राम के अंदर क्रिएट कर रहा है

सिमिलरली कोई फंक्शन को यूज करके अगर उसको कॉल करके कुछ टास्क या फिर ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है तो पहले हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है जैसे कि वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है ओके okay. तो अब तक हमने देखा कि बिल्ट इन फंक्शन या फिर लाइब्रेरी फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन हम किस तरह के फंक्शन को बोलते हैं उसके बाद हमने देखा कि यूजर यूजाइंड फंक्शन हम किस तरह के फंक्शन को बोलते हैं जिस तरह के फंक्शन पहले से डिफाइन किए गए होते हैं हम सिर्फ उसको यूज करते हैं वो है लाइब्रेरी फंक्शंस और जिस तरह के फंक्शंस हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्राम के अंदर खुद क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं यूजर फंक्शन सो कोई भी फंक्शन को यूज करने से पहले हमें उस फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है तो एक पर्टिकुलर फंक्शन जब भी हम प्रोग्राम के अंदर खुद क्रिएट करके यूज करते हैं तो, तो उसके तीन अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं सो फर्स्ट एस्पेक्ट इज फंक्शन डिक्लेरेशन कोई भी फंक्शन अगर हम क्रिएट करके यूज करना चाहते हैं तो फर्स्ट उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा डिक्लेयर करने के बाद उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि उस फंक्शन का काम क्या है उसके बाद उस फंक्शन को कॉल करेंगे जहां पे भी उस फंक्शन को यूज़ करके कुछ टास्क हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो तो कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को लार्ज प्रोग्राम को फंक्शन के फॉर्म में डिवाइड करने की मेन रीजन क्या है दिस फंक्शन आर मेनली क्रिएटेड टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए बिग प्रोग्राम एंड टू मेक इट इजी कोई भी एक लार्ज प्रोग्राम सपोज है जहां पर एडिशन चार तरह के परफॉर्म कर रहे हैं अगर मैं एडिशन का अलग फंक्शन बना दूं, सप्रक्शन का अलग बना दूं, मल्टीप्लिकेशन का अलग बना दूं, डिवीजन का अलग बना दूं, तो वहां पे मेरा प्रोग्राम जो है वो ईजियर हो जाएगा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में आसान हो जाएगा जा कॉम्प्लेक्सिटी जा 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 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा इसीलिए हम फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कोई भी प्रोग्राम में ओके okay. हर एक प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन अगर यूज़ करते हैं तो हर एक फंक्शन का तीन अलग अलग एस्पेक्ट होता है प्रोग्राम the kind of kind of के अंदर वही से हम क्या कर सकते हैं फंक्शन को कॉल कर सकते हैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल आप देख सकते हो पहले मैंने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर किया है यह है फंक्शन डिक्लेरेशन पे हम क्या देते हैं रिटर्न टाइप उसके बाद फंक्शन का नाम और उसके बाद अगर कुछ के अंदर आर्गुमेंट देना कोई पर्टिकुलर फंक्शन का स्टेटमेंट को हम डिफाइन करते हैं डिफाइन करने के बाद मेन फंक्शन का के, के, के अंदर जहां चाहे वहां से हम क्या कर सकते हैं फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और कॉल जब करेंगे तब तो वो क्या करेगा एग्जीक्यूट करेगा उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स हमने प्रोवाइड किया है उन स्टेटमेंट्स को तो पता चला कि फंक्शन के दो टाइप्स क्या है किस तरह के फंक्शन को हम क्यों बोलते हैं इस तरह के नाम से ओके okay. और जब भी हम फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो उसके तीन अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में आज के लिए इतना ही थैंक यू